हाय, वेलकम टू बुलेना, रियल पीपल, रियल लोकेशंस, रियल इश्यूज। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, नो, आप जा सकते हैं यहाँ से। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आप यहाँ मुझसे 5 मिनट बात कर सकते हैं? बिल्कुल। हमारे शो का नाम है बुलेना, हम स्ट्रीट्स पे जाते हैं, आम लोगों से आम चीजों के बारे में बात करते हैं। ओके, यू हैव, यस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो मैं पूछ रहा हूँ लोगों से वो है होम इकोनॉमिक्स। अच्छा, ओके, महंगाई नहीं जी, होम इकोनॉमिक्स, कमाई वर्सेस खर्चा जी। इसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या एडजस्टमेंट आया स्पेसिफिकली, स्पेशली पोस्ट कोरोना? मैं पूछता ही हूँ लोगों से तो बहुत फ़र्क पड़ा है, क्या आपके लिए में फ़र्क पड़ा है? देखिए, महंगाई तो थी ही पहले से, कोरोना के पहले भी थी, पर पहले क्या था कि थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते थे, छोटी मोटी खुशियाँ, बच्चों के जो होते थे, बर्थडे मना लिया, कपड़े खरीद लिए, मॉल चले गए, प्रिसाइसली, हाँ, तो ये सब चीज़ें तो कर लेते। लेकिन कोरोना के बाद से क्या हुआ कि एक तो महंगाई भी बढ़ी है, नौकरियाँ भी गई हैं, मेरा खुद का अप्रेजल रुका हुआ है, तो अब वो चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा इन सब चीज़ों में कट ऑफ करना पड़ा है, फिजूल खर्ची रोकनी पड़ी। अच्छा, आप इसको बंद कर दिया? हाँ, फिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद नहीं हो पाई, अभी एक मेरी फिजूल खर्ची है जो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन बाकी चीज़ों को मैंने थोड़ा कंट्रोल कर लिया, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है सर। ओके, घर चलाना है तो थोड़ा देखना। तो फ़र्क पड़ा है आपके बजट के अंदर, होम बजट के अंदर फ़र्क पड़ा है कि सब फिजूल खर्ची कम किया? तो अगले हफ्ते मेरा जो लास्ट एक फिजूल खर्ची रह गया, अगर वो मैंने कंट्रोल कर लिया तो मुझे लगता है कि फिर मेरा परिवार हिसाब किताब में आ जाएगा सर। अच्छा, एक फजूल खर्ची आपका अभी भी है? जी जी जी, जो अगले हफ्ते। सो ओके, तो फिलहाल आप ना मॉल जा रहे हैं, ना बच्चों को चीज़ें लेके दे रहे हैं, वो जो छोटी मोटी खुशियाँ होती हैं वो सैक्रीफाइस कर रहे हैं। जी जी, लेकिन एक बात बताइए, जो अगले हफ्ते होना था, अगर वो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पूरे बजट को बैलेंस कर दे, क्या आपको पहले टैकल नहीं करना? सवाल सही है आपका, लेकिन पहले मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा चलो एक बार हो गया, दो बार हो गया, लेकिन ये खर्च जो है ना, ये होते जा रहा है, बार बार हो रहा है। अच्छा, हाँ, अब देखिए, मैं अपनी बीवी के साथ रहता हूँ और मियाँ बीवी का आपस में तू मैं हो जाता है, हाँ। लेकिन मेरी बीवी का इतना बुरा आदत है ना कि जब भी लड़ाई होती है वो अपने भाई को फ़ोन कर देती है। अच्छा, वो दिल्ली में रहता है। अच्छा, और वहाँ से फ्लाइट लेके आता है, मुझको कूटता है और फिर मेरे ही खर्चे से वापस जाता है, और ये साल में 5-7 बार हो रहा है। उसके बाद फिर हॉस्पिटल का भी खर्चा हो जाता है, तो ये जो फिजूल खर्च है ना, इससे मैं परेशान हूँ सर, तो अगले हफ्ते ये सब बंद हो जाना है। सो एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जी, अगले हफ्ते आप बता रहे हैं, सीम्स लाइक अ प्लान, आपने कुछ सोच रखा है जी, क्या, प्लीज डोंट माइंड मी आस्किंग, क्या आप अपनी बीवी को छोड़ रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैं ये शहर छोड़ रहा हूँ, मैं दिल्ली शिफ्ट हो रहा हूँ।